नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डॉल्फिन फिल्टर की सर्विस करना बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसका TDS चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों 18 आ रहा है। इसकी जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल ओके है और इसकी फ्लो भी बिल्कुल ओके आ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा सर्विस हमने करनी है, सबसे पहले हम अपने SOR की पाइप को निकाल लेंगे। इस पानी को हम टूटी की मदद से बंद कर दिया हमने। दोस्तों हमने फिल्टर को नीचे उतार लिया है और अब हम इसकी बाहरली कैंडल को खोलेंगे। स्पैनर की मदद से हमने इसको आराम से खोल दिया है, घुमाकर इसको खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसका फिल्टर जो काला हो चुका है, मिट्टी से भर चुका है। इसको हम दोस्तों साबुन की मदद से इसकी कैंडल को धो लेंगे। अच्छे दोस्तों आप इसको साफ़ कर लीजिए, अंदर से इसको दोस्तों, बाहर से भी इसको वॉश कर लीजिए। अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें हम एक नई कैंडल इसको वॉश करने के बाद डालेंगे। ये हमने एक नई कैंडल ले ली है, देखिए बिल्कुल वाइट है दोस्तों। और जो हमारी पुरानी कैंडल थी वो काली हो चुकी है। देखिए दोस्तों इन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ऐसे हम नया फिल्टर डाल देंगे। ये आप हर 6 महीने बाद इसको चेंज कीजिए। अब इसकी हम अंदर की कैंडल की सर्विस करेंगे और इसकी मेम्ब्रेन तो बिल्कुल ओके है और बाकी फिल्टर इसके हम चेंज करेंगे। बाहर वाली कैंडल को हम स्पैनर की मदद से पूरा टाइट कर लेंगे। और इसमें दोस्तों अंदर में हमें 2 कार्बन 1 सेडिमेंट डालना है। पीछे से इसके ढक्कन को खोल लेंगे, दोनों सुक्रियों को पहले खोलेंगे। हमारी इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। आप घर पर ही अपनी RO फिल्टर की सर्विस कर सकते हो। इसको आराम से हम खोल लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों 3 कैंडल लगी हैं और एक मेम्ब्रेन है। तीसरी वाली दोस्तों मेम्ब्रेन है और ये देखिए दोस्तों हमारे पास 3 कैंडल हैं, 2 कार्बन 1 सेडिमेंट। कार्बन की जगह हम कार्बन लगा देंगे और सेडिमेंट की जगह हम सेडिमेंट लगा देंगे। दोस्तों इसको लगाने से पहले कार्बन फिल्टर को हमें वॉश करना होता है। सीधा कार्बन फिल्टर नहीं लगाया जाता, नहीं तो इसकी सारी गंदगी मेम्ब्रेन में चली जाती है और मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है। दोस्तों हम इसमें पानी लगाएंगे, जहाँ से हमने पानी बंद किया था पहले उसी से पानी लगा के इस कैंडल को वॉश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसको जब वॉश करते हैं तो इसको हल्का हल्का हम इस पर चोट लगाएंगे ताकि उसकी सारी जो गंदगी अच्छे से बाहर निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल पहले काला पानी आता है इसलिए इसको पहले वॉश किया जाता है। इसकी जो स्मेल होती है वो भी इसमें ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे से वॉश किए, जब तक इसका काला पानी बंद ना हो जाए तब तक इसको वॉश करते रहें। हमने वीडियो को स्किप कर दिया है, हमने दोनों कार्बन को वॉश कर लिया है। अब दोस्तों हम इसके फिल्टर का कार्बन को निकालेंगे, जो पुराना कार्बन है। उसके बाद हम इसके दोस्तों इसके सेडिमेंट को निकालेंगे। दोस्तों आप इसको खोलने से पहले इसकी एक फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए, ताकि जो बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। आप एक एक करके भी कैंडल को चेंज कर सकते हैं। हम दो को चेंज कर रहे हैं, आप एक एक को चेंज कीजिए ताकि जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत कोई ना हो। दोस्तों इसको हम लगाएंगे, इसके अंदर पहले हम कार्बन को लगाएंगे। इस पे दोस्तों तीर का निशान बना होता है और जैसे ही आप कैंडल को निकालें वैसे ही आप लगा दें। निकालते समय आप ध्यान से देखें कि तीर का निशान किधर है, उसी साइड आप उसकी कैंडल को लगा दें ताकि जो आपकी परेशानी कोई भी ना आए। ये हमने आगे वाले 2 कार्बन सेडिमेंट को चेंज कर दिया है।
ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। दोस्तों इसके बाद दूसरे कार्बन को निकालेंगे और इसमें हम नया कार्बन फिल्टर लगा देंगे। ऐसे दोस्तों बहुत ही आसान है सर्विस करना, आप घर पे भी इसको सर्विस कर सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। दोस्तों ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इसको हमने सारे फिल्टर को लगा दिया इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम इसके जो टैंक लगा है इसमें उसको हम वॉश करेंगे, जिसमें इसके पानी भरता है उसके उसको वॉश करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर वाले ढक्कन को उठा लेंगे। इसको खोलना बहुत ही आसान है, बस सीधा उसको ऊपर को उठा लेना है, ढक्कन खुल जाएगा। और इसको हम साबुन की मदद से धोएंगे। पहले इसके सारे चारों तरफ हम पानी को गिरा देंगे। दोस्तों ये इसका जो फ्लोट वाल है इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। अगर ये अपनी जगह से हिल जाता है तो जो आपका पानी है वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा, फिर आपको उसको सेट करवाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही आराम से आप साइड साइड से अपने फिल्टर को धो लीजिए। इससे आपका फिल्टर अच्छे से साफ़ हो जाए। दोस्तों हम ग्लास में पानी लेके इसको चारों तरफ से साफ़ कर लेंगे इसको। तो और इसकी टूटी को खोल देंगे ताकि जो पानी ऊपर से इसमें गिराते रहे हम नीचे से इसका पानी गिरता रहे। और ऐसे हम बहुत ही आसानी से इसके टैंक को हम वॉश कर सकते हैं। बहुत ही सावधानी से हम इसको साफ़ करेंगे, बहुत प्यार से। इसका सारा पानी हम निकाल देंगे नीचे से और ढक्कन को लगा देंगे। अब दोस्तों हम इस फिल्टर को ऑन करके चेक करेंगे कहीं इसके कोई लीकेज ना हो। ऑन करने पे इसके वेस्टेज वाटर पहले आने लग जाएगा और जो इनलेट वाटर होता है वो एक या दो मिनट उसमें लग जाता है। ये भी धीरे धीरे पानी आ रहा है इनलेट। दोस्तों एक या दो मिनट बाद ये पानी बिल्कुल बढ़िया आना शुरू हो जाएगा। हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे यहाँ पे। अब इसको दो मिनट हो गए हैं चलते हुए और जो वेस्ट वाटर है वो भी तेज़ आ रहा है और इनलेट वाटर भी पूरा तेज आना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों बिल्कुल तेज पानी आ रहा है। अब दोस्तों इसके जो बैक साइड हमने फिल्टर लगाए हैं इसको हम टॉर्च की मदद से ध्यान से चेक करेंगे कि जितने भी इसमें जोड़ हमने लगाए हैं कोई लीक ना करता हो। अगर कोई भी जोड़ उसका आपको डाउट है उसको आप ध्यान से चेक करके वहाँ पे नया जोड़ लगाएं। और अब हमने दोस्तों इस फिल्टर को दीवार पे लगा दिया है। इसको बाहर से हम सारे जोड़ को चेक करेंगे जो बाहर इसके जोड़ हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को आपको नया मिला है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका हमारी इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें।